हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 6.1 प्रारंभ करेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर अब हम यहां पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई 70 अंश के बराबर है तथा कोण बी ओ डी का मान 40 अंश है तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इसमें बोला गया है आकृति में। तो देखिए, आपको बोला गया था AB और CD दो रेखाएं हैं जो O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं AB वाली रेखा ये है और CD वाली रेखा ये है और ये देखिए O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। फिर आपको बोला गया कोण AOC। तो देखिए AOC देखेंगे तो A O और C अर्थात ये वाला जो कोण है आपके पास प्लस कोण BOE। अब देखिए BOE कोण यदि आप देखेंगे तो ये वाला कोण आएगा। तो आपके पास इन दोनों कोणों का युगफल तो 70 अंश के बराबर दिया है। कोण BOD अगर आप देखेंगे तो आपको 40 अंश दिया है और BOD यदि देखेंगे तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि BOD देखना होगा कि कैसे चल रहे हैं और जो बीच वाला कोण होता है एक्चुअल में वो होता है मान। तो देखो BOD अर्थात ये वाले कोण का मान 40 अंश है। तो आपसे कोण BOE पूछा गया है अर्थात ये वाला कोण पूछा गया है और आपसे कोण COE का प्रतिवर्ती पूछा गया है। तो प्रतिवर्ती भी समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। तो प्रतिवर्ती किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए आप उस कोण को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो जैसे अगर आपसे प्रतिवर्ती कोण COE पूछा गया है तो आप इसका मान यदि निकालेंगे तो 360 माइनस कोण COE कर देंगे। चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करने पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर आप देखेंगे कि ए बी आपके पास एक सरल रेखा है तो यहां मैं लिख देता हूं चूंकि ए बी एक सरल रेखा है। अगर ए बी एक सरल रेखा है तो इसका मतलब तो यह हुआ कि इस पर जितने भी कोण बन रहे होंगे उन सभी का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो देखो एक कोण तो आपके पास ये कोण ए ओ सी बन रहा है प्लस एक कोण देखिए आपके पास ये वाला बन रहा है कोण COE या EOC आप कुछ भी बोल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि O बीच में आना चाहिए क्योंकि मेन तो O कोण है। प्लस आप देखिए कोण EOB बोल सकते हैं कोण BOE बोल सकते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये तीनों कोण बन रहे थे सरल रेखा AB पर तो इन सभी का योगफल 180 अंश होना चाहिए। अब आप ये देखो AOC प्लस BOE 70 अंश आपको दिया हुआ है अर्थात AOC प्लस BOE या EOB ये मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो देखो इन दोनों का योगफल तो 70 अंश है। आप इसका मतलब लिख सकते हो 70 अंश प्लस कोण COE क्योंकि ये वाला कोण आपके पास बचा है केवल बराबर 180 अंश। तो इस तरीके से आपके पास कोण COE आ जाएगा 180 अंश माइनस 70 अंश अर्थात 110 अंश के बराबर। तो इस तरीके से आपने कोण COE तो निकाल लिया 110 अंश के बराबर आया ये वाला कोण। अब आप ये देखो कि आपको तो बोला गया था प्रतिवर्ती कोण COE निकालना है तो यहां पर आप देखिए प्रतिवर्ती कोण COE ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूले से भी जो हमने आपको बताया 360 अंश माइनस कोण COE जो एक्चुअल में आपके पास आया है। तो देखिए 360 अंश माइनस 110 अंश तो यदि आप 360 में से 110 को घटाएंगे तो ये आपके पास देखिए 250 अंश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने एक भाग तो इस प्रश्न का हल कर दिया कि प्रतिवर्ती कोण COE निकाल दिया है। अब आगे देखिए आपसे बोला गया था कि कोण BOE का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो अब देखो कोण BOE आखिर आपके पास कौन सा है। तो आप देख रहे हैं आपके पास ये वाला है कोण BOE ये वाला। तो अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी सरल रेखा आपके पास बन रही है। तो आप देखो आपको 110 अंश पता लग चुका है 40 अंश पता लग चुका है। तो अब ये देखिए कि CDB तो एक सरल रेखा ही है तो यहां पर हम लिख देते हैं क्योंकि CD एक सरल रेखा है। इसका मतलब यह हुआ कि CD सरल रेखा पर जितने भी कोण आपस में बन रहे होंगे उन सभी का योगफल 180 अंश होना चाहिए क्योंकि सरल रेखा पर यदि आप कोण देखते हैं तो 180 अंश होता है। तो आप देखो आपके पास कौन कौन से कोण बन रहे हैं। तो देखिए CD सरल रेखा पर एक कोण तो आपके पास ये वाला बनना है कोण COE, फिर देखिए आपके पास ये वाला कोण बनना है और फिर आपके पास देखो ये वाला कोण बनना है अर्थात तीन कोण बन रहे हैं। तो देखिए
अब आप इसको लिख देंगे कोण COE प्लस कोण EOB प्लस, अब देखिए कोण COE मैंने लिख दिया, कोण EOB लिख दिया, और लास्ट में अब हम लिख देंगे कोण BOD। तो इन सभी का योगफल तो 180 अंश होना चाहिए। तो अभी आप देखो COE आप पहले ही निकाल चुके हैं और COE आपके पास आया था 110 अंश। तो ध्यान रखें कि कभी भी ये ना सोचे कि प्रतिवर्ती कोण COE लिखना है, हमें तो कोण COE लिखना है, प्रतिवर्ती नहीं लिखना। तो 110 अंश लिख दिया, प्लस कोण EOB या कोण BOE आपसे पूछा गया था, प्लस कोण BOD प्रश्न में दिया हुआ है कि 40 अंश के बराबर है, तो आप इसको 180 अंश के बराबर कर देंगे जोड़ने पर। तो यहां से अब आप ये देखो कि कोण EOB प्लस 110 अंश प्लस 40 अंश आपके पास 150 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश। तो इस तरीके से यदि आप 150 अंश को पक्षांतर करेंगे दाईं तरफ तो आपके पास आ जाएगा कोण EOB बराबर 180 अंश माइनस 150 अंश अर्थात 30 अंश। तो देखो कोण EOB आया या कोण BOE भी आप इसे लिख सकते हैं, तो आपके पास वो 30 अंश के बराबर आ गया। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न के दोनों भागों को हल कर दिया है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या दो पर आ जाते हैं। यहां पर बोला गया है कि दी गई आकृति में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर आपको आगे बोला गया कि यदि कोण POY 90 अंश है तथा A अनुपात B 2:3 है तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को यदि हम समझें तो देखो रेखाएं XY और MN आपको बोली गई थी। तो देखो रेखा XY ये वाली रेखा है अपने पास और MN आपके पास देखो ये वाली रेखा है, और देखो ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद भी कर रही हैं। फिर आपको बोला गया कि कोण POY, अब देखिए कोण POY मतलब ये वाला कोण आपके पास 90 अंश दिया हुआ है, और आपको बोला गया A अनुपात B 2:3 है। तो देखो A B C तो यहां पर लिखे हुए हैं जहां पर A और B का अनुपात 2:3 बोला गया है। तो सबसे पहले तो आप ये भी समझिए कि A और B यहां पर आपको दिए गए हैं अर्थात कोणों के मान हैं, लेकिन आपको उनके मान एग्जैक्ट ना देकर उनमें एक अनुपात दिया है, वो है 2:3 का। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चूंकि ये अनुपात दिया गया है लेकिन आपको तो कोण के मान की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए अगर आप x एक अचर राशि मान लें तो आप बोल सकते हैं कि a का मान 2x हो जाएगा और b का मान 3x हो जाएगा। अब बेसिकली हमें स्मॉल x का मान निकालना पड़ेगा, अगर वो मान हमारे पास आ जाएगा तो कोण a का मान भी आ जाएगा, कोण b का मान भी आ जाएगा। अब यहां से आप देखिए इतना जब आपने कर लिया तो आप एक बात पर गौर कर रहे हैं कि कोण a कोण b और ये 90 अंश अगर देखोगे तो ये इस सरल रेखा एक्स वाई पर आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं चूंकि एक्स वाई या एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, क्योंकि आपको प्रश्न में बोला गया है वैसे तो ये, तो इसका मतलब यदि ये सरल रेखा है तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि इस पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि सरल रेखा 180 अंश कोण बनाती है। तो यहां से देखिए कोण बी बन रहा है इस पर, देखिए कोण बी प्लस कोण ए भी बन रहा है प्लस कोण POY आपके पास बन रहा है, और ये आपके पास 180 अंश के बराबर होना चाहिए। अब देखिए कोण बी तो आपके पास 3x है और कोण ए आपके पास 2x है, तो यहां से देखिए कोण बी का मान हमने 3x लिख दिया, कोण ए का मान 2x, और कोण POY ये 90 अंश हो गया तो बराबर 180 अंश आ गया आपके पास। तो देखो 3x और 2x मिलकर ये 5x हो गया बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश आ गया। तो ये देखो हल करने पर 90 अंश आ जाएगा। अब ये आपके पास 5x का मान तो आ गया है 90 अंश के बराबर, अब आपको तो x का मान निकालना है। तो देखिए x आपके पास आ जाएगा 90/5 अर्थात x का मान 18 आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपने 2x और 3x माना था उसमें आप x का मान लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण a है जो कि 2x लिया था आपने, तो ये 2×18 अर्थात कोण a का मान 36 अंश या 36 डिग्री हो जाएगा। तो कोण a का मान आपने निकाल दिया। इसी तरीके से आप देखोगे b जो कोण था वो 3x था, तो 3×18 आप करोगे तो देखिए b का मान आपके पास 54 अंश हो जाएगा, तो आपने कोण b निकाल दिया। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न में, तो आगे प्रश्न में आपको तो बोला गया है कि कोण c का मान निकालना है। तो अब आप ये देखो कि आखिर कोण c का मान आप किस तरीके से निकाल सकते हैं।
तो आप एक बात पर गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि एम एन जो एक रेखा है, देखो रेखा है एम एन बोला गया था प्रश्न में, यहां पर भी देखो एम एन जो ओ, चूंकि एम एन रेखा पर तो हो गई क्योंकि प्रतिच्छेद करने, तो आप बोल सकते हैं कि चूंकि एम ओ एन, या फिर आप एम एन भी लिख सकते हैं, एक सरल रेखा है